नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी छात्रों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, राजऋषि बर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अब आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट जो कमेंट है आपका वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड है, सेकंड है आपका डाउट से रिलेटेड, यानी कि जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें काफी छात्रों के मन में एक तरीके से संशय चल रहा है, और वो क्या है वो भी यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से सुनना, ध्यान से आप सब चीजों को नोट करके चलना, ठीक है। फर्स्ट में रिजल्ट को लेकर क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपके जितने भी रिजल्ट है, जैसे बीकॉम का आपका फर्स्ट में जारी हो गया था, बीकॉम का जब रिजल्ट आपका जारी हुआ था, फर्स्ट ईयर का जारी हुआ था, उसके बाद में सभी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी का रिजल्ट कब जारी होगा। तो वहां पर मैंने बोला था कि आपके प्रैक्टिकल प्रॉपर रूप से नहीं हो पाए हैं, इसी वजह से आपके रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है या थोड़ा विलंब हो रहा है। तो उसी के बाद में आपके जो बीएससी के रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब कि थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर और उसके बाद में सेकंड ईयर का रिजल्ट है, वो भी आपका जारी कर दिया गया है। अब उसी के बाद में जो बीए के स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा। और देखो उसको मैं क्लियर करूंगा, उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। देखो काफी छात्रों के मन में एक तरीके से डाउट चल रहा है, क्योंकि वहां पर मैंने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट है, जैसे बीएससी के स्टूडेंट है, देखो बीकॉम के छात्रों के साथ भी ऐसा होने वाला है। देखो मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, पूरी पूरे चांस है, क्योंकि जो बीएससी का रिजल्ट रहा है और बीकॉम का जो रिजल्ट रहा है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को फेल किया गया है। अब देखो मुझे वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि इसमें टीचर्स की गलती है। देखो टीचर की तो गलती कभी भी नहीं हो सकती, बाकी एक तो आपको भी पता है कि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है अदर यूनिवर्सिटी के कंपेयर में जो कॉफीज वगैरह जो चेक करता है वो काफी स्ट्रिक्टली चेक करता है, काफी स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेकर, वो काफी एक तरीके से हार्ड कॉपी वगैरह चेक करता है। इस वजह से जो स्टूडेंट है वो मत्स्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले काफी कतराते हैं, वो उसके मतलब कि उसकी तुलना में राजस्थान यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, मतलब कि बता दी थी। अब उसी के बाद में आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जो आपका बीए का रिजल्ट है वो आपका 10 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो बीए फाइनल ईयर का जारी होगा, उसके बाद में आपका बीए सेकंड ईयर का, और उसके बाद में आपका बीए फर्स्ट ईयर का। हमेशा एक सब्जेक्ट के रिजल्ट से दूसरे सब्जेक्ट के जो रिजल्ट रहता है उसमें लगभग 6 या 7 दिन का अंतर रहता है, जो कि आपको देखने को मिला भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई के अप्रोक्स आपका जारी हो सकता है, 10 के बाद में, मतलब कि 15 से पहले पहले ही जारी हो जाएगा, लेकिन 10 के बाद में अपन मानकर चल सकते हैं, ठीक है। उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका जो रिजल्ट में अगर किसी के फेल आ रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स के अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सभी स्टूडेंट को फेल किया जा रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर ज्ञापन दे सकते हो, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि सर हमने 4 जुलाई को जो बाबू शोभाराम कॉलेज है उसके सामने धरना प्रदर्शन भी किया था रिजल्ट को लेकर। तो देखो अगर आपने धरना प्रदर्शन किया है तो पहले आपका फर्ज बनता है ज्ञापन देना, पहले आप जो भी आपका परीक्षा नियंत्रक है या जो भी आपका कुलपति है उसको जाकर आप सबसे पहले ज्ञापन दीजिए कि सर हमारे सामने ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, और अगर एक स्टूडेंट है तो हम मान ले, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के साथ में रिजल्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन करके हमें दीजिए, क्योंकि अब आगे आने वाले जो स्टूडेंट है तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको फेल किया गया है, देखो काफी स्टूडेंट तो ज्यादातर तो पास हुए हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट है जिनके बैक भी लगी है, पेपर ड्यू भी रहा है, और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर ज्यादातर स्टूडेंट है तो आप अपनी यूनिटी बनाइए, यूनिटी बनाकर जो भी टेलीग्राम है, मेरा टेलीग्राम है, उससे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद में वहां पर अपना जो भी डिस्कशन है वो आप कर सकते हो, जो भी मेरा मत रहेगा वो भी मैं आप सभी छात्रों के सामने रखूंगा। तो उसके बाद में आप वहां पर जाकर जो भी डिस्कशन वगैरह है, आप बादल एडुटेक चैट के नेम से एक चैनल बना रखा है मैंने टेलीग्राम पर, उस पर जाकर अपना जो भी वाद विवाद है वो वहां पर आप कर सकते हो। उसके बाद में आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाकर वहां पर कुलपति को ज्ञापन दीजिए, और जो परीक्षा नियंत्रक है या तो परीक्षा नियंत्रक या कुलपति को, एक में से किसी को भी आप ज्ञापन दे सकते हो। जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्यवाही जरूर होगी, ठीक है। बाकी आपका रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी होगा, मैं यही कामना करता हूं। बाकी जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता थोड़ा पेशेंस रखे, जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को प्रेस करके रखे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।